अब इसके बाद जो बेटे हमें शुरू करना है ना, वो है बेसिकली एनर्जी स्टोर इनसाइड द कैपेसिटर। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि जो कैपेसिटर है बेसिकली एक एनर्जी स्टोर डिवाइस है, जो मतलब अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है और समय आने पर उसमें से एकदम से एनर्जी फेंक करके मारता है किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर, ताकि वो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि उसको चलने के लिए, स्टार्ट होने के लिए, इनिशियल प्रोसेस करने के लिए एकदम से लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो मुझे वही निकालना है कि कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते बेटे कितना आंसर आएगा हमारा। ध्यान से सुन, इमेजिन कर कि मैंने आपको बताया बेटे कि जो हमारे सिलेबस है ना, उसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आप कुछ इस तरह से बनाते थे। ठीक है, ये आपके पास क्या था बेटे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। ओके, ये बेसिकली प्लेट है जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना बेटे? ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बेटे इस प्लेट का? ए माना था मैंने। सिमिलरली इन प्लेट्स के बीच की जो दूरी मानी थी मैंने कितनी मानी थी बेटे? स्मॉल डी मानी थी। अब अगर मैं इस प्लेट के बीच का वॉल्यूम निकालने की कोशिश करूँ, क्या करूँ बेटे? वॉल्यूम देखता हूँ मैं, वो कितना है बेटे? वो प्लेट के बीच का वॉल्यूम, वो आएगा एरिया इंटू में ये स्मॉल डी। ठीक, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन क्या है। इमेजिन कर कि मैंने क्या करा, इस कैपेसिटर को ना चार्ज कर दिया। क्या कर दिया बेटे? चार्ज। मुझे पता है कि जितना चार्ज मैं इस पॉजिटिव वाली प्लेट पर दूंगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज मैं इस वाली प्लेट के ऊपर दूंगा। ठीक है, तो इमेजिन कर कि तूने इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और यहाँ पे कितना चार्ज है बेटे? वो माइनस के क्यू चार्ज है। ठीक है, तभी वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कन्फाइंड रीजन के अंदर है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कन्फाइंड रीजन के अंदर, वहाँ पर आपके पास क्या होना, क्या होगी बेटे? वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। ठीक है, ओके जी। तो ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, जस्ट इमेजिन कर कि मैंने यहाँ पर क्या किया। मैंने क्या करा बेटे, यहाँ से ना इस वाली प्लेट से ना पॉजिटिव चार्ज लिया, और वो इस वाली प्लेट से बेटे एक पॉजिटिव चार्ज लिया। ठीक है, नेगेटिव प्लेट से वो कहाँ पहुँचा दिया बेटे? इस वाली प्लेट पर। तो जहाँ से आप पॉजिटिव चार्ज लेकर के आओगे तो उस पर क्या आ जाएगा बेटे? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसके ऊपर आपने रखा उसके ऊपर क्या आएगा बेटे? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में बेटे मैं क्या करता हूँ, रियलिटी तो ये है कि अगर आप ये, जस्ट मैंने समझाने के लिए बोला कि मैंने पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव प्लेट से, मतलब इस वाली प्लेट पर लेकर के आऊँ, मतलब राइट वाली प्लेट से लेफ्ट वाली प्लेट पर लेके आऊँ। रियलिटी ये बेटे, आप क्या करते हो, इस पॉजिटिव प्लेट से ना इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हो, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को ही ट्रांसफर कर पाते हैं, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी है उसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली घूमते रहते हैं, और ये जो प्लेट्स बनी है बेसिकली कंडक्टर की बनी हुई होती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, यहाँ से ना इस वाली प्लेट से, मतलब लेफ्ट वाली प्लेट से राइट वाली प्लेट पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हो। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा बेसिकली वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस प्लेट पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऊपर क्या आएगा बेटे? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है बेटे। तो ध्यान से सुन, इस प्लेट का जो कैपेसिटेंस दिया जाएगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा? वो दिया जाएगा, ऑब्वियस ही बात है बेटे, जो क्यू होगा यहाँ पे वो किसके बराबर होना चाहिए? होना चाहिए सी इंटू वी के बराबर। जो सी होगा वो किसके बराबर होगा बेटे? वो होगा क्यू ओवर में वी के ऊपर, वी के बराबर। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इमेजिन कर बेटे, मैंने ना ये बीच की सिचुएशन ले ली। कौन सी सिचुएशन ले ली बेटे? मैंने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक बीच वाली सिचुएशन ले ली। बीच वाली मतलब पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। देखो यहाँ पे हमने चार्ज कितना दिया है? प्लस क्यों। यहाँ पे कितना बेटे? माइनस के क्यों। तो इमेजिन कर क्या कि हमने कोई बीच की सिचुएशन ले ली। कौन सी वाली बीच की सिचुएशन ली बेटे? कि जब इस प्लेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, मैं धीरे 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 पॉजिटिव चार्ज लेता गया लेता गया लेता गया लेता गया, इस वाली प्लेट पर पहुंचा दिया। कितना चार्ज बन गया उसके ऊपर बेटे? प्लस कैपिटल क्यू। और इस पर कितना बन गया बेटे? माइनस के कैपिटल क्यू। जीरो से मतलब ये वाली सिचुएशन है, बट मैंने बीच वाली सिचुएशन चूज कर ली। ठीक है, इमेजिन कर कि इस टाइम इस वाली प्लेट के ऊपर जो चार्ज है ना वो स्मॉल क्यू है। इस वाली प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू है, ये बीच की सिचुएशन है। ओके, ठीक है जी। अगर ये प्लस क्यू है तो ऑब्वियसली बात है बेटा ये माइनस क्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये माइनस के क्यू होना चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। मुझे मालूम है कि जो सी है वो किसका रेशो है बेटे? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज गिवन टू द बैटरी डिवाइड बाय में पोटेंशियल। बहुत बढ़िया, ये रेशो है, मतलब ये क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता सी की वैल्यू। ये हमेशा ही जितना आप चार्ज दोगे उतना ज़्यादा उसके ऊपर क्या बनता रहेगा बेटे? पोटेंशियल बनता रहेगा। क्या बनता रहेगा? पोटेंशियल बनता रहेगा। अब अगर आपको मैं पूछ लूँ कि इस वाली प्लेट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, तो आप कितना आंसर दोगे? इमेजिन कर कि जब हमने कैपिटल क्यू चार्ज दिया था उस टाइम पोटेंशियल था वी, बट अब की बार ये जो चार्ज दिया मैंने कितना दिया बेटे? स्मॉल क्यू। तो जो कैपेसिटेंस होगा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, कैपेसिटेंस के ऊपर बेटे कोई फर्क नहीं आएगा। तो पॉजिटिव प्लेट की चार्ज डिवाइड बाय में, इमेजिन कर इसका पोटेंशियल कितना बेटे? वी डैश है। तो यहाँ से ये जो प्लेट आ रही है इसका जो पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा बेटे वी डैश बराबर स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में सी। बहुत बढ़िया, शाबाश।
अब फिर दोबारा से बेटे मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने क्या करा, इस वाली प्लेट से ना बहुत कम अमाउंट में डीक्यू चार्ज मैं इस वाली प्लेट से इस वाली प्लेट पर लेकर के आ गया। तो जब आप डीक्यू चार्ज इस वाली प्लेट से इस वाली प्लेट पर लेकर के आओगे, तो जैसे आप इस वाली प्लेट के ऊपर रहोगे, तो इस वाले चार्ज के पास मतलब हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, इस पॉजिटिव के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे ही ये डी क्यू चार्ज इस वाली प्लेट के ऊपर आएगा, तो इस डी क्यू चार्ज के पास एनर्जी आ जाएगा। और वो एनर्जी कितना आया भाई, मतलब कि वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में एनर्जी आ जाएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा बेटे डी। और ये डी किसके बराबर होता है, वो तो होगा बेटे वी डैश इंटू में डी क्यू के बराबर। कैसे याद कर, अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल है बेटे वी, आप वहाँ पे चार्ज रख देते हो क्यू, तो उस चार्ज के पास एनर्जी आ जाता था कितना बेटे, क्यू इंटू वी। तो सेम सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे लगाया, इस वाली प्लेट का पोटेंशियल कितना बेटे, वी डैश। तो मैंने डी क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, मतलब इस वाली प्लेट से इस वाली प्लेट पे ट्रांसफर कर दिया, तो इस डी क्यू चार्ज के पास वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में एनर्जी आ जाएगी। कितनी आगे बेटे, वो आएगी डी ई बराबर वी डैश इंटू में डी क्यू। अब ये वही एनर्जी है जो इस कैपेसिटर के अंदर क्या हो रही है बेटे, स्टोर हो रही है। क्या हो रही है, वो स्टोर हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे आप चार्ज लेकर के आते रहोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो जो स्मॉल अमाउंट में इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है इस वाली प्लेट के ऊपर, वो कितनी बेटे, वही है वी डैश इंटू में डी क्यू। बहुत बढ़िया, मुझे मालूम है कि वी डैश कितना भाई साहब, वी डैश है क्यू बाय में सी के बराबर है, इंटू में ये डी क्यू हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, मुझे तो क्या चाहिए भाई, मुझे तो टोटल एनर्जी चाहिए कि कितनी टोटल एनर्जी स्टोर हुई है। टोटल एनर्जी के लिए आप क्या करो बेटे, ऑब्वियस बात है इंटीग्रेशन करने वाले, तो आप इसको क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। ये क्या बेटे, ये एनर्जी स्टोर आ जाएगी सारी की सारी, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर दो। बहुत बड़ी शाबाश, देखो जो चार्ज जो इन जो 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 आपका ये डी क्यू, बेसिकली आप चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो। सबसे पहले जो आपकी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उस पर चार्ज कितना था भाई, जीरो था। एंड में कितना बन गया भाई, वो बन गया प्लस क्यू। कितना बन गया, वो प्लस क्यू बन गया। तो इसको डिफरेंस, इसको करते हैं बेटे सॉल्व। तो वन बाई सी बाहर आ गया, क्यू इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा क्यू स्क्वायर बाय में टू। कहाँ से कहाँ था बेटे, जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू तक। तो जो एनर्जी स्टोर आएगी, तो जो एनर्जी स्टोर आएगा वो किसके बराबर आया बेटे, वो आएगा वन बाय टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय में सी। सिमिलरली जो क्यू होता है वो होता है सी वी। तो बना बेटे क्यू इंटू सी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइड बाय में टू सी। तो आपके पास आंसर आएगा वन बाय टू सी वी स्क्वायर। कितना आएगा, वन बाय टू सी वी स्केयर। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी स्टोर होता है ना कैपेसिटर के अंदर, इस वाले कैपेसिटर के अंदर, वो कितना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, वन बाय टू सी वी स्केयर। आप इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा फॉर्मूला भी है, कौन सा भाई, क्यू स्केयर बाय टू सी। ये भी आंसर आता है और ये भी आंसर आता है। तो 95% हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जब भी हम कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर निकालते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो बेटे मैंने कि जब आप इस तरह से प्रोसेस करते रहोगे, तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस के क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज को लाने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। वो जो कार्य करोगे वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा बेटे, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और वो कौन सी एनर्जी बनी बेटे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो किसके बराबर आई है, वो आई है हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर। क्लियर है, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी डेफिनेटली। चलिए थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। याद करो बेटे, जब मैंने आपको सिखाया था क्या कि जो पॉजिटिव प्लेट होता है ना, उसका पोटेंशियल मैं वी लेता हूँ। सिमिलरली ये जो नेगेटिव प्लेट होता है, उसका पोटेंशियल मैं जीरो लेता हूँ। तो आप क्या कर रहे हो बेटे, मतलब राइट साइड में मूव कर रहे हो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी राइट साइड में जा रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है तेरी कितनी बेटे, डी, वो भी तेरी किस तरफ है, दोनों किस तरफ बेटे, राइट साइड के अंदर। यानी कि ई और डी में कितना एंगल बन रहा है, वो बन रहा है भाई साहब 0 डिग्री। तो याद कर, तुझे मालूम है कि वी ए माइनस के वी बी जब मैं अप्लाई करता हूँ, वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। बहुत बढ़िया, डी आर तेरा कितना भाई, यहाँ पे स्मॉल डी है, ठीक है। कितना बेटे, स्मॉल डी है। तो यहाँ पे कितना बेटे आया है, ई का मैग्नीट्यूड ई मान लिया तूने, मुझे पता है कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता, बट मैंने ई मान लिया। डी आर तेरा कितना बेटे, वो आया है स्मॉल डी, ठीक। वी ए कितना भाई, तेरे पास वी है, ये कितना बेटे, ये जीरो। तो किसके बराबर आया वी का वैल्यू, ई इंटू स्मॉल डी के बराबर आ गया, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, शाबाश। ध्यान से सुन बेटे, क्या कि मुझे मालूम है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उसका जो कैपेसिटेंस होता है, वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय में स्मॉल डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में स्मॉल डी। तो आप क्या करो, यहाँ पे एनर्जी के अंदर पुट कर दो इसको। तो जैसे आप एनर्जी के अंदर पुट करोगे, तो आपके पास आंसर आया कितना बेटे, वन बाय टू एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन नॉट बाय स्मॉल डी। और यहाँ पे जो वी का वैल्यू है, जो आपने पोटेंशियल अप्लाई, पोटेंशियल बना है इसका, इस वाली चीज़ का, वो कितना बेटे, ई इंटू में डी आया। तो कितना आया, वो ई स्क्वेयर इंटू में डी स्क्वेयर आ गया। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर इंटू में ए इंटू में डी। आप क्या करते हो, इस ए डी को,
ए डी को उठा करके इधर ले आते हो, तो क्या बना बेटा ये ई अपॉन में ए डी इक्वल टू वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई स्क्वायर। ध्यान से सुन, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, ए डी क्या आपकी वॉल्यूम है बेटे इस कैपेसिटर के बीच में, तो ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर वो किसके बराबर आती है बेटे, वो आती है वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं क्या, एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको बेटे, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ उस चीज़ को। तो बेसिकली आपके पास जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया है, एनर्जी डेंसिटी का वो फॉर्मूला किसके बराबर है बेटे, आया वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, होप आपको की चीज़ समझ में आ गई। एनर्जी डेंसिटी किसको डिफाइन कर रही है कि इसकी यूनिट वॉल्यूम के अंदर, इसकी यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, आप बेटे जब हम ना एक एक अनदर से डिवाइस होता है, मैंने आपको समझा था कि हमारे पास तीन तरह के डिवाइस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं जिसकी हेल्प से हम हर सर्किट बनाते हैं। पहला था हमारे पास रेजिस्टेंस, जो अगले चैप्टर में आएगा, आप टेंथ में पढ़ करके आए हो। दूसरा है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अंदर बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम आती है यानी कि एनर्जी डेंसिटी आता है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तेरे पास तीसरा होगा इंडक्टर, जो तू पढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के वाले चैप्टर के अंदर, तो उसके अंदर भी जो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम आती है ना, वो भी कुछ ना कुछ सेम चीज़ की आती है बेटे। ध्यान रखना कि जो भी हम यहाँ इन दो चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं पहले वाले के अंदर, ये सारे के सारे ना उठ करके बस इनका नामकरण संस्कार बदल जाएगा और ये कहाँ चले जाएंगे बेटे, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में। ठीक है, तो वहाँ पे आंसर आएगा वन बाय टू म्यू नॉट इनटू में बी स्क्वायर। बी क्या होता है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटे। बेसिकली सारे सारे फॉर्मूले क्या, इंटर कन्वर्टेबल हैं। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। जो हम करेंगे बेटे, क्या करेंगे, चर्चा ऑन बैटरी। बेसिकली यही जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, यही वाला टॉपिक हमारा कहाँ पर यूज़ होगा बेटे, ये होगा हमारा अगले वाले चैप्टर के अंदर। बेसिकली कहाँ पर बेटे, यही वाला टॉपिक हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा, अगले वाले चैप्टर के अंदर, जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि चलता क्या है वहाँ पर। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ जितना हमारे काम का नहीं है। अब ध्यान से सुन बेटे, मैंने बोल तो दिया कि तेरे को ना, कि मैंने इस वाली प्लेट के ऊपर प्लस के चार्ज दे दिया, इस वाली प्लेट के ऊपर कितना दे दिया बेटे, माइनस के चार्ज दे दिया। कितना दे दिया, माइनस के चार्ज। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इलेक्ट्रॉन टुचुक करके इस वाली प्लेट से, मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं टुचुक करके इलेक्ट्रॉन को लाए जा रहा हूँ इस वाली प्लेट पर। ठीक है, तो मतलब कुछ और ही चीज़ है जो ये सब काम कर रही है। मैं पकड़ के थोड़ा लाऊंगा भाई इलेक्ट्रॉन को, मैं कैसे पकड़ लूँगा भाई, इलेक्ट्रॉन का साइज तो बहुत छोटा सा है, मैं पकड़ ही नहीं सकता उसको। तो हम क्या करते हैं बेटे, ये वाली सिचुएशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ना वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देते हैं बेटे, वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर इसका पोटेंशियल वी है, ठीक है, अगर इसका पोटेंशियल वी बेटे, तो ये प्लस ये माइनस हमने क्या करा, ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो आप सोचोगे सर, आपने जब इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको आपने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है। क्यों, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जो बैटरी है वो चार्ज सप्लाई करती है। नहीं, बैटरी कभी भी चार्ज सप्लाई नहीं करती। बैटरी जो है बेटे वो एक एनर्जी सप्लायर है, मतलब एनर्जी सप्लाई करने की, मतलब एक एनर्जी सप्लाई जो करता है ना वो है बैटरी। हमेशा ही एनर्जी सप्लाई करती है, चार्ज सप्लाई नहीं करती। अब ध्यान से सुनियो कि हो क्या रहा बेटे, आप जैसे इसको ना पॉजिटिव पोटेंशियल से, मतलब इसको पॉजिटिव पोटेंशियल से, इसको आप नेगेटिव पोटेंशियल से, जैसे आप इसको अप्लाई करते बेटे, तो क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना बेटे, इस वाली प्लेट से ना इलेक्ट्रॉन निकालना चालू कर देता है। इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन को निकाल निकाल करके यहाँ पे भेजता रहता है, इस तरफ ऐसे भेजता रहता है बेटे, इस तरफ ऐसे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके भेजता रहता है, इस तरफ से ऐसे। ठीक है, तो धीरे धीरे बेटे भेजता रहेगा। तो शुरू में ना इलेक्ट्रॉन को भेजना आसान होता रहेगा बैटरी के लिए, शुरू में इलेक्ट्रॉन को बेटे भेजना आसान होता रहेगा। तो जैसे 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 इलेक्ट्रॉन इस वाली प्लेट पर आते रहेंगे, तो जब वो इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगी बैटरी यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस बैटरी की वजह से, तो जो इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटे, तो वो इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन फील करना शुरू कर देंगे। तो शुरू में तो जो ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो फास्टली बनना शुरू कर देगा। बट धीरे धीरे क्या होगा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता रहेगा। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ से इस तरफ ऐसे फ्लो करके जा रहे हैं, ऐसे फ्लो करके जा रहे हैं बेटे, तो यहाँ पे नेगेटिव, तो वो नेगेटिव चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरह से वो तो दूसरे आते हुए इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, तो उनकी स्पीड को कम कर देंगे बेटे। तो ऐसा टाइम आएगा कि इस वाली प्लेट से ना ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा ही नहीं पाएंगे। इस वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन क्या बेटे, इधर जा ही नहीं पाएंगे। अगर इस वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएंगे, तो
तो उस दरमियान जो प्लेट के ऊपर चार्ज अकम्युलेट हो जाएगा ना, वो कितना बन जाए बेटे, प्लस क्यों, और यहाँ पे कितना होगा बेटे, माइनस के क्यों। तो जब मैं इन क्यू बाय वी का रेशो करूंगा तो उसी को अपन ने क्या बोल रखा बेटे, कैपेसिटेंस बोल रखा है। क्या बोल रखा है उसको हमने, कैपेसिटेंस बोल रखा है। तो बेसिकली ये बैटरी ही है जो इन चार्जेस को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने के लिए कार्य करती है। क्या करती है बेटे, कार्य करती है। तो वो जो कार्य होता है वो इस कैपेसिटर के अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है बेटे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में। और फॉर्मूला कितना बेटे उसका, 1/2 CV2। कौन सा फॉर्मूला, 1/2 CV2 बेटे। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन बेटे कि बैटरी ने कितना चार्ज इसके ऊपर प्लस क्यों लेकर के आई है। वो इसके ऊपर कितना चार्ज लेकर के आई बेटे, वो लेकर के आई है प्लस क्यों। कितना लेकर के आई बेटे, प्लस क्यों। तो इमेजिन करके जो बैटरी है ना बेटे, बैटरी में से प्लस क्यों चार्ज निकल करके भागा। किधर निकल करके भागा बेटे, प्लस क्यों चार्ज यहाँ से वहाँ निकल करके भागा। तो अगर यहाँ से प्लस क्यों गया तो ऑब्वियस सी बात है बेटे, इस पर कितना आएगा बेटे, माइनस के क्यों आने वाला। कितना आने वाला भाई साहब, माइनस के क्यों आने वाला है। यहाँ पर बेटे बैटरी के अंदर से कितना चार्ज निकल कर गया, प्लस क्यों। आप तो उसका मतलब ये बेटे कि जो बैटरी है ना वो इस चार्ज को कितना एनर्जी दे रही है, बैटरी है जो इस चार्ज को कितना एनर्जी सप्लाई कर रही है। तो एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी कितनी होगी, सोच के देखो भाई साहब। एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी वो कितनी होनी चाहिए, सोच के देख। अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल है वी, वहां में से मैं चार्ज पास कर दूं बेटे क्यों, तो उस चार्ज के पास एनर्जी आ जाएगा कितना बेटे, क्यू इंटू वी। ये मैं कर चुका हूं। तो बैटरी इस कैपिटल क्यू चार्ज को, जब कैपिटल ये प्लस क्यू चार्ज इसमें से निकल करके जाएगा, जस्ट इमेजिनेशन है। वैसे तो मुझे मालूम है इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बट मैं फिर भी आपको मैं बोल रहा हूँ ताकि मेरे को समझने में क्लैरिफिकेशन हो। मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर के समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो जब इसमें से प्लस क्यू चार्ज निकल करके जाएगा इसमें से, तो बैटरी इस कैपिटल क्यू चार्ज को एनर्जी सप्लाई कर देगी कितनी भाई साहब, क्यू इंटू वी। कितनी करेगी, कैपिटल क्यू इंटू में वी बेटे, ठीक है। कैपिटल क्यू कितना भाई, वो है सी वी इंटू में वी। तो कितना एनर्जी सप्लाई करा बेटे, वो करा उसने सी वी स्केयर। कितना करा है, सी वी स्केयर। बट ध्यान से सुन, जो इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हुआ है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुआ है वो कितना हुआ, वो है बेटे 1/2 CV2। 1/2 CV2 बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की थी, सी वी स्केयर। एनर्जी जो स्टोर हुई है कैपेसिटर के अंदर वो कितनी है बेटे, हाफ सी वी स्केयर। तो बाकी कहाँ गई, बाकी कहाँ मतलब बेटे कि दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी। तो यानी कि सी वी स्केयर माइनस 1/2 CV2 कितना आया बेटे, 1/2 CV2। ये बाकी एनर्जी कहाँ गई बेटे, ये बाकी एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो जो कि आपकी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। ये वही एनर्जी है, जब आप ये वाली कंडीशन अप्लाई करोगे ना तो ये वायर वगैरह गर्म हो जाएंगी, कैपेसिटर जो प्लेट है उसकी वो भी थोड़ा सा गर्म होना शुरू कर देगी बेटे, ठीक है। तो बेसिकली जो हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी है ना वो कहाँ चली गई बेटे, लॉस के अंदर चली गई। और उसको अपन बोलते हैं बेटे एनर्जी लॉस। क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी लॉस बोल देते हैं, ठीक है। दोबारा से सुन कि अगर इस ये वी वोल्ट का बैटरी है तो बैटरी इसका काम क्या बेटे, इसको प्लस के चार्ज सप्लाई करना, इसको माइनस के चार्ज सप्लाई करना। तो जब बैटरी इसको प्लस के चार्ज सप्लाई करेगी, वैसे बैटरी नहीं सप्लाई करेगी, इसमें से ये प्लस क्यू चार्ज निकल करके जाएगा तो बैटरी इसको एनर्जी देगी। कितनी देगी बेटे, क्यू इंटू वी। क्यू की वैल्यू कितनी है, सी वी इंटू में वी बेटे। तो बना सी वी स्केयर। एनर्जी स्टोर कितना हो बेटे, हाफ सी वी स्केयर। बाकी एनर्जी कहाँ गई, वही एनर्जी है जो इस वायर को क्या कर दे बेटे, गर्म कर देगी, इन प्लेट को गर्म कर देगी। तो मतलब इस तरह से वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। तो एनर्जी जो लॉस हुआ कितना हुआ बेटे, यहाँ पे हाफ सी वी स्केयर। तो अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या बेटे, एनर्जी लॉस इनटू द कैपेसिटर। एनर्जी लॉस इनटू द कैपेसिटर बेटे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनर्जी लॉस इनसाइड द कैपेसिटर, ठीक है। तो मैंने तो तेरे को ये चीज फील करा दी क्या, कि भाई साहब जब आप कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर करोगे ना तो उसमें से उसका 50% तो पक्का है, गारंटी है कि वो एनर्जी लॉस होगा ही होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इससे पहले छोटा सा एक कंसेप्ट हो रहा है बेटे, ध्यान से सुन। जब ये बैटरी है ना तेरी, इस बैटरी में से इमेजिन करके ये पॉजिटिव चार्ज निकल करके जा रहा है, तो बैटरी जो है ना वो एनर्जी दे रही है। क्या दे रही है बेटे, एनर्जी दे रही है। यानी कि जो बैटरी है ना वो वर्क कर रही है इस कैपेसिटर के ऊपर। तो यानी कि इस दरमियान जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द बैटरी वो कितना होगा बेटे, वो होगा कितना, क्यू इंटू वी। यानी कितना बेटे, क्यू सी वी स्केयर होना चाहिए, ठीक है। इमेजिन कर बेटे,
और इस वर्णन को बेटे हम क्या लेंगे, हम इस वर्णन को पॉजिटिव मान करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि जो बैटरी है ना वो एनर्जी सप्लाई कर रही है, एनर्जी क्या कर रही है बेटे, सप्लाई कर रही है, तो उसको हमने पॉजिटिव मान लिया। इमेजिन करके कोई बैटरी डेड पड़ा बेटे, क्या पड़ा हुआ है, डेड पड़ा हुआ है, डेड बैटरी, ये नेगेटिव है पॉजिटिव बेटे, इसका पोटेंशियल मैंने वी मान लिया, इसका मैंने क्या मान लिया बेटे, यहाँ पे मैंने पोटेंशियल कर दिया वी, यहाँ पे कर दिया बेटे जीरो। तो मैं ये देखता हूँ कि जो चार्ज है ना वो इस पॉजिटिव टर्मिनल में घुसने की कोशिश करेगा, क्या करे बेटे, मैं इस पॉजिटिव टर्मिनल में घुसने की कोशिश करेगा। तो इस दरमियान ये जो बैटरी होगी ना, ये जो बैटरी होगी बेटे वो चार्ज होने की कोशिश करेगी। तो बैटरी जब चार्ज होने की कोशिश करेगी तो वो एनर्जी खाएगी, क्या करेगी बेटे, एनर्जी कंज्यूम करेगी। कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी बेटे, एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम, तो एनर्जी जो कंज्यूम करेगी वो कितनी करे बेटे, क्यू इंटू में भी, ठीक है। तो कितना आंसर बेटे वो आएगा, सी वी स्क्वायर आएगा। ऑब्वियस ही बात है बेटे कि जब बैटरी एनर्जी कंज्यूम करती है तो उसको मैं नेगेटिव लेता हूँ, क्या लेता हूँ बेटे, नेगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है। यानी कि इस दरमियान जो बैटरी है ना, बैटरी के ऊपर वर्क डन हो रहा है, वर्क डन ऑन द बैटरी हो रहा बेटे, वर्क डन ऑन द बैटरी हो रहा, वो कितना हो रहा बेटे, माइनस के सी वी स्क्वायर, कितना हो रहा है, माइनस के सी वी स्क्वायर। यानी कि जब बैटरी तेरी डिस्चार्ज होगी तो वो एनर्जी सप्लाई करेगी, तो उस टाइम वो वर्क डन बाय द बैटरी काउंट होगा, उसको हमने पॉजिटिव लेना है। अगर मान ले बैटरी तेरी बेटे चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है, तो उस दरमियान जो बैटरी होगी वो एनर्जी लेगी, तो उस टाइम बैटरी के ऊपर वर्क डन होगा और वो जो वर्क डन होगा वो हमें नेगेटिव लेना है, क्या लेना बेटे, हमें नेगेटिव लेना है। तो ध्यान से देख, ध्यान से देख बेटे क्या, कि जब तू तू इस तरह से याद रखने की कोशिश कर कि जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से अगर चार्ज निकल रहा है तो बैटरी वर्क डन कर रही है, बैटरी वर्क डन जो कर रही है उसको हमने क्या माना बेटे, पॉजिटिव मान लिया। बट अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चार्ज घुस रहा है तो बैटरी एनर्जी ले रही है, तो बैटरी के ऊपर वर्क डन हो रहा है, बैटरी के ऊपर अगर वर्क डन हो रहा है, बैटरी के ऊपर बेटे क्या वर्क डन हो रहा है, तो ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, क्या बैटरी के ऊपर वर्क डन हो रहा है, तो वो वर्क डन हमें बेटे बैटरी के ऊपर वर्क डन हो रहा है, तो वो वर्क डन हमें क्या लेना बेटे, नेगेटिव लेना है, क्या लेना है, उसको नेगेटिव लेना है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से अपने को और भी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना कि अगर बैटरी वर्क डन करेगी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकल करके जाएगा तो बैटरी वर्क डन करेगी, बैटरी का एनर्जी खर्च होगा, तो वो हमें पॉजिटिव लेना है। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चार्ज घुस रहा है तो मतलब बैटरी के ऊपर वर्क डन हो रहा है, बैटरी एनर्जी खा रही है, वो हमें क्या लेना बेटे, नेगेटिव लेना है, ठीक है। आपको की चीज़ समझ में आया होगा। अब हमें पढ़ना है बेटे, अगर एग्जांपल कर लेते हैं कि किस तरह से एक फॉर्मूला ड्राइव होता है एनर्जी लॉस इनसाइड द कैपेसिटर, एनर्जी लॉस इनसाइड द बेटे कैपेसिटर। तो हमारे पास ये तीन फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला है, दो तो ये वाले हो गए बेटे, और एक हमारे पास हो गया ये वाला हाफ सी वी स्क्वायर वाला। ये तो एनर्जी डेंसिटी है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको रद्द कर सकता हूँ क्योंकि अभी मेरे किसी काम का नहीं है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ तो ध्यान से सुन बेटे कि मैं किस तरह से एक फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करूँगा और ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ध्यान से देख बेटे क्या है कि इमेजिन कर कि आपके पास ये कैपेसिटर है ऐसे, ठीक है। आपने क्या करा है, उसको ना वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कर दिया बेटे, वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये सेल बनाया, कोई बात नहीं, वी वोल्ट का मान लो, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है बेटे कि अगर इसका कैपेसिटेंस है सी, कितना कैपेसिटेंस है इसका सी, तो इसके ऊपर आएगा चार्ज प्लस 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 माइनस 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 माइनस। तो प्लस का मतलब क्या है, इसके ऊपर कितना चार्ज है बेटे, वो है क्यू बराबर सी वी, कितना है क्यू बराबर सी वी। और इसके ऊपर कितना चार्ज है बेटे, नेगेटिव वाले के ऊपर, क्यू बराबर माइनस के सी वी, कितना बेटे, माइनस के सी वी। तो आपको ये सिचुएशन दे रखा है। फिर आपको बोलता है कि आपने क्या करा, इसी सेम कैपेसिटर को ना कुछ ये वाली कहानी बदल दी, देखो ये वाली कहानी बदल दी बेटे, ठीक है। आपने क्या करा, इसको ना पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कैपेसिटेंस सी है। आपने क्या करा बेटे, वी वोल्ट की बैटरी को हटा करके ना बैटरी के टर्मिनल उल्टे कर दिए और कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी बेटे, टू वोल्ट की बैटरी लगा दी। कितने लगा दी, टू वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो आपको बोलेगा कि बताओ एनर्जी का लॉस कितना हुआ है, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस कितना हुआ है बेटे, आपको आंसर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, दे बेटे समझने की कोशिश करियो। जब आपने इसको सेम कैपेसिटर को 2 वोल्ट की बैटरी से अप्लाई करा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा बेटे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। कितना आएगा बेटे, वो आएगा क्यू बराबर सी वी, कितना आएगा इसके ऊपर चार्ज, क्यू बराबर सी वी। तो सी इसका सी है, वोल्टेज कितना बेटे, वो है 2V, यानी कितना चार्ज बना इसके ऊपर, 2CV। सिमिलरली इसके ऊपर कितना नेगेटिव आया बेटे, वो है माइनस के 2CV, कितना है माइनस के 2CV बेटे। वो पापा की चीज़ समझ में आएगी। ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन,
ये इनिशियल स्टेट है, कौन सी स्टेट है भाई, इनिशियल है बेटा, ये इनिशियल है ये, और ये क्या बेटा, ये फाइनल है, ये क्या है, फाइनल है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको बोलता हूँ कि इस इनिशियल स्टेट के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, एनर्जी स्टोर कितनी थी भाई साहब यहाँ पे, ई इनिशियल वो कितना था, वो था 1/2 c × v² मैंने जस्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। जो फाइनल सिचुएशन है आपके पास वो कितनी है बेटे, ई फाइनल कितनी है, ई फाइनल वो कितनी है भाई साहब, 1/2 c × v, कितना भाई साहब इसका 2 वोल्ट, यानी कि 2v² तो कितना आंसर आया बेटे आपके पास आएगा 4v² 4/2 तो बना 2 तो आंसर आया 2cv², ठीक है। तो एनर्जी का जो एक्सचेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज बेटे, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कितना हो रहा है बोलो, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कितना हो रहा है बेटे, आपने कैसे करा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल कर दिया, कितना आंसर आया आपके पास 2cv² माइनस के 1/2 cv², यानी कि कितना आया वो आएगा आपके पास, देखो 2cv² माइनस 1/2 cv² तो आंसर आएगा 3/2 cv² आएगा, कितना आएगा 3/2 cv² आएगा। बेसिकली किसके बराबर है बेटे, जो एनर्जी का जो एक्सचेंज हो रहा है वो रहा है 1.5 cv². अब ध्यान से सुन, बैटरी कितना एनर्जी सप्लाई कर रही है, बैटरी क्या कितना एनर्जी, ये तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आया बेटे, कितना एनर्जी एक्सचेंज हो गया जब हम इस वाली सिचुएशन से इस वाली सिचुएशन पे चले गए। अब अगर आपको मैं बोलता हूँ कि बैटरी ने कितना एनर्जी सप्लाई करा, तो फाइनल सिचुएशन आपकी है, तो बेटे इस फाइनल सिचुएशन को पकड़ लो, ध्यान से सुन बेटे, कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मालूम पड़े कि इस बैटरी में से कितना चार्ज फ्लो हुआ है, कितना चार्ज फ्लो हुआ है, तो मैं सबसे पहले चार्ज निकालने की कोशिश करूँगा। तो आप क्या करो इस सिचुएशन में, पॉजिटिव वाले टर्मिनल पकड़ लो, ये पॉजिटिव वाली प्लेट पकड़ लो। तो पहले इनिशियल सिचुएशन में बेटे कितना चार्ज था उसके ऊपर, माइनस के सीवी, फाइनल में कितना बन गया बेटे 2 cv। तो इमेजिन कर कि कितना चार्ज बेटे इस वाली प्लेट पर आया है, कितना चार्ज इस वाली प्लेट पर आया है, ओब्वियस ही बात है बेटे कि जो चार्ज होगा ना वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, तभी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं, वो ऑब्वियस ही बात है भाई। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चार्ज आया ये, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ है इस वाली प्लेट से इस वाली प्लेट पर, तो इस पे पहले चार्ज, इस पे कितना चार्ज होगा बेटे फाइनल में, जो चार्ज फ्लो हुआ है बैटरी में से, चार्ज फ्लो फ्रॉम बैटरी वो कितना हुआ बेटे, देखना सुन, बड़ी वाली प्लेट के ऊपर कितना चार्ज आ गया, वो 2 cv माइनस, पहले कितना था भाई साहब वो उसके ऊपर था माइनस के cv, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, हुआ 3 cv, कितना हुआ 3 cv। दोबारा सुन, मुझे क्या करना है बेटे इस वाली प्लेट के ऊपर ना कितना चार्ज लेकर के आना, 2 cv लेकर के आना, तो कैसे लेकर के आएगा, पहले तो उसके ऊपर कितना चार्ज देगा, cv चार्ज देगा, कितना जाएगा cv, तो जैसे ही cv चार्ज देगा तो इस वाली प्लेट के ऊपर कितना चार्ज बन जाएगा, वो बन जाएगा 0, कितना बन जाएगा 0, तो 0 होगा इस टाइम, तो तुझे कितना लेकर के आना बेटे 2 cv, तो इसको तू 2 cv और देगा, कितना देगा 2 cv, तो टोटल चार्ज तूने कितना दिया है, वो दिया है 2 cv प्लस cv, कितना दिया 3 cv दिया है, कितना दिया है 3 cv दिया है। अब ये 3 cv चार्ज इस बैटरी के अंदर से निकल करके गया, तो इस वाली बैटरी ने कितना एनर्जी दिया है, एनर्जी यानी इस वाली बैटरी में से निकल कर गया बेटे, तो जब इस वाली बैटरी में से निकल करके जाएगा तो बैटरी क्या करेगी भाई साहब, वर्क डन करेगी, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, यानी कि एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी एक ही बात है, वर्क डन बाय बैटरी, बाय बैटरी वो कितना होगा भाई साहब, वो होगा जितना चार्ज इसका पोटेंशियल इंटू में जो चार्ज निकल करके गया, तो कितना पोटेंशियल है इसका, वो है 2v इंटू में, कितना चार्ज निकल गया हुआ है 3 cv, तो कितना हुआ बेटे, वो है 6 cv², यानी कि जो बैटरी है उसने कितनी एनर्जी सप्लाई करी है, वो करी है बेटे 6 cv², एक्सचेंज कितने का हुआ बेटे 1.5 cv² का, तो लॉस कितने का हो गया, लॉस कितने का होगा बेटे, जो लॉस हुआ है, एनर्जी लॉस हुआ है वो कितने का होगा भाई साहब, वो हो गया 6 cv² माइनस के 1.5 cv² किसके बराबर आया, वो 4.5 cv² के बराबर आया, तो यही आपका क्या आया बेटे, एनर्जी लॉस आया। अब मैं इस चीज़ से ना आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक जनरल फॉर्मूला कन्वर्ट करता हूँ बेटे, मैं तो बेसिकली जो एनर्जी लॉस होता है ना, एनर्जी लॉस होता है वो किसके बराबर होता है, आपने क्या करा 6 cv² में से क्या घटाया बेटे, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, तो 6 cv² क्या था, वर्क डन बाय बैटरी, क्या था, वर्क डन बाय बैटरी, इसके ऊपर भी सकता कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस के एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कितना बेटे, ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। होप आपको कि ये वाला फॉर्मूला समझ में आया होगा,
ये जो फॉर्मूला आया है बेसिकली ये मेन फॉर्मूला बेटे, जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन में से एनर्जी लॉस निकालना पड़ जाए तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करोगे। क्या होगा बेटे एनर्जी लॉस का फॉर्मूला? वर्क डन बाय बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, होप आप होगी चीज़ समझ में आई होगी। तो चलो बेटे एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी चीज़ के ऊपर, आसान सी चीज़ है, होप आप होगी चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, देखो हाँ मैं थोड़ा सा बस जस्ट क्वेश्चन ही चेंज करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इमेजिन कर क्या कि भाई साहब तेरे को मैंने सिचुएशन दे दी, क्या मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ, कौन सी सिचुएशन बेटे ध्यान से सुन। मैंने ना ये 2 वोल्ट का बैटरी ले लिया, अब की बार मैंने वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया जिसका कैपेसिटेंस कितना था, सी था। अगर कैपेसिटेंस इसका 2 वोल्ट है तो इसके ऊपर चार्ज आएगा क्या, 1 CV, तो कितना चार्ज आया बेटे इसके ऊपर आया 2 CV, इस वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव के ऊपर 2 CV, और इसके ऊपर कितना बेटे आएगा माइनस के 2 CV। मैंने क्या करा भाई साहब, इस वाली बैटरी को 2 वोल्ट की बैटरी को मैंने ना एक वी वोल्ट की बैटरी से कन्वर्ट कर दिया। किससे कन्वर्ट कर दिया? वी वोल्ट का बैटरी से। ठीक है, कैपेसिटेंस कितना वैसा उसका सी है। तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, कितना चार्ज आएगा ऑब्वियस बात है वो आएगा सी वी, कितना आएगा सी वी। और इसके ऊपर नेगेटिव आएगा कितना बेटे माइनस के सी वी, क्यों सी इंटू वी वो चार्ज होता है इसके ऊपर, इस वाली प्लेट के ऊपर। ठीक है, बहुत बड़ी शाबाश। तो इनिशियल सिचुएशन ये थी, फाइनल सिचुएशन तेरे पास ये थी। तो तुझे फिर से वही निकालना है एनर्जी लॉस। क्या निकालना है बेटे? एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस क्या होगा? एनर्जी लॉस मतलब क्या होगा बेटे कि इसके अंदर इस टाइम कितनी एनर्जी स्टोर है बेटे, वो है 1/2 सी वी स्क्वेयर, सी इंटू दिस स्क्वेयर, यानी कि 2V का होल स्क्वेयर। तो आंसर आएगा 2CV स्क्वेयर, कितना आएगा 2CV स्क्वेयर। फाइनल सिचुएशन क्या बनी तेरे पास? फाइनल सिचुएशन बनती है ये वाली, यहाँ पे कितना एनर्जी स्टोर होगा बेटे 1/2 CV स्क्वेयर, कितना हो गया 1/2 CV स्क्वेयर। बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आया। तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कितना हो बेटे? आप क्या करते हो, फाइनल में से इनिशियल घटा देते हो। क्या करते हो? फाइनल में से इनिशियल। तो जब आप फाइनल में से इनिशियल घटाओगे तो आपके पास 1/2 CV स्क्वेयर माइनस के, ध्यान सुन, 1/2 CV स्क्वेयर माइनस के 2 CV स्क्वेयर। तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा माइनस के 3/2 CV स्क्वेयर, 3/2 CV स्क्वेयर बेटे। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन बेटे कि मुझे तो फाइनल सिचुएशन देखना है कि फाइनल सिचुएशन में एनर्जी लॉस कितना हो रहा है। तो जब तेरी ये वाली बैटरी भी थी तो तुझे ये देखना है कि इस वाली बैटरी में से कितना चार्ज फ्लो करके जाएगा, वो पॉजिटिव वाले में जाएगा या नेगेटिव वाले में से निकलेगा, मतलब आपको इस तरह से देखना है बेटे को। ध्यान से सुन, यहाँ पे कितना चार्ज था, यहाँ पे था 2 CV इनिशियल में, यहाँ पे कितना लगा बेटे CV। तो इसका मतलब ये है कि इस वाली प्लेट में से चार्ज निकला होगा कितना CV, कितना निकला होगा बेटे CV। वो चार्ज इस बैटरी के थ्रू फ्लो होता हुआ इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से गया होगा, पक्का 100% है। तभी तो अगर यहाँ पे चार्ज 2 CV था, यहाँ पे कितना रह गया बेटे CV रह गया, तो मतलब इस वाली प्लेट में से चार्ज निकला होगा CV, तभी तो CV प्लस CV 2 CV बनेगा। तो मतलब अब की बार इस वाली बैटरी में से जो चार्ज है ना वो निकल पॉजिटिव टर्मिनल में से घुस रहा है, तो यानी कि वो जो चार्ज है ना इस वाली बैटरी को एनर्जी देने की कोशिश करेगा, और जो एनर्जी देने की कोशिश करेगा तो मतलब वर्क डन बाय द बैटरी होगा। वो क्या होगा बेटे? वो वर्क डन बाय बैटरी होगा, वर्क डन बाय बैटरी। वो कितना होगा बेटे? ऑब्वियस ही बात है वो होना चाहिए नेगेटिव, होता है उसको नेगेटिव लेते हैं बेटे। कितना चार्ज फ्लो करा बेटे उसके अंदर से CV, और कितना पोटेंशियल है इसका V, तो कितना आंसर आया माइनस के CV स्क्वायर आया, कितना आया माइनस के CV स्क्वायर आया। जस्ट तुझे यहाँ पे पुट कर देना, तो जो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आएगा एनर्जी लॉस का, वो क्या बेटे? वर्क डन बाय द बैटरी या फिर ऑन द बैटरी। तो यहाँ पे ऑन द बैटरी है तो माइनस के CV स्क्वायर माइनस ई फाइनल ई इनिशियल, कितना बेटे वो आया माइनस के 3/2 CV स्क्वायर। इसका क्या मतलब बेटे? जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा माइनस CV स्क्वायर प्लस 3/2 CV स्क्वायर, आपके पास आंसर आएगा 1/2 CV स्क्वायर। तो इतनी एनर्जी आपको क्या करगी बेटे? लॉस करगी, जब आपने इस वाली सिचुएशन को इस वाली सिचुएशन में कन्वर्ट किया। ठीक है, होप आपको कि ये चीज़ भी समझ में आई होगी। ध्यान से सुनना, जो एनर्जी लॉस होगा ना बेटे वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता, जो ओवरऑल एनर्जी लॉस। नेगेटिव आने का मतलब ये है कि वायर गर्म होने की बजाय क्या हो रही है बेटे? ठंडी हो रही है, और ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता फिजिक्स के अंदर। ओके, एनर्जी का हमेशा ही लॉस होगा यहाँ पर। और एक आध क्वेश्चन देख ले बेटे ताकि तेरे को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो। ठीक है, मान ले कि तूने क्या करा यहाँ पे 3 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। ठीक है, अगर 3 वोल्ट का बैटरी लगाएगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा 3 CV, और यहाँ पे कितना बेटे माइनस के 3 CV, कितना आएगा माइनस के 3 V। तो फाइनल सिचुएशन में एनर्जी कितनी बनेगी? वो बनेगी बेटे 3 V का होल स्क्वायर, आएगा तेरे पास 9/2 CV स्क्वायर।
तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कितना आएगा, फाइनल माइनस के इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेगा तो तेरे पास आंसर आएगा 9/2 सी वी स्केयर माइनस 2 सी वी स्केयर, यानी कि ये बनेगा भाई साहब तेरे पास, ये बनेगा 4.5 सी वी स्केयर, ये कितना है बेटे 2 सी वी स्केयर, तो कितना आंसर आया 4.5 में से जब आप 2 घटाओगे तो 2.5 सी वी स्केयर आएगा, 2.5 मतलब 5/2 सी वी स्केयर आंसर आएगा आपके पास, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आया। चलिए जी, अब मुझे क्या निकालना बेटे, वर्क डन बाय द बैटरी निकालना, क्योंकि एनर्जी लॉस के लिए मुझे क्या वर्क डन बाय द बैटरी या फिर ऑन द बैटरी चाहिए। तो सोच के देख भाई साहब, सोच के देख कि हुआ क्या है यहाँ पर, हुआ क्या बेटे यहाँ पे, ध्यान से सुन मेरी बात, क्या कि तू पॉजिटिव वाली प्लेट पकड़ ले पहले। अब पॉजिटिव वाली प्लेट पे कितना चार्ज है बेटे, 3 सी वी, कितना चार्ज है 3 सी वी, पहले कितना था 2 सी वी, इसका मतलब ये है कि इस वाली प्लेट के ऊपर चार्ज आया है, कितना चार्ज आया बेटे सी वी आया, चार्ज कितना चार्ज आया सी वी, क्यों पहले कितना था भाई 2 सी वी, अब कितना हो गया 3 सी वी, तो इसका मतलब अगर पहले 2 सी वी था तो उसको 3 सी वी बनाना, तो कितना चार्ज देना पड़ेगा उसको सी वी, यानी कि ये वाली जो बैटरी है एनर्जी सप्लाई, चार्ज सप्लाई करेगी कितना बेटे सी वी, कितना करेगी सी वी, तो इसका मतलब ये है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से चार्ज निकल रहा है तो बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है, ठीक है, बैटरी एनर्जी क्या कर रही है बेटे, सप्लाई कर रही है, कितनी सप्लाई कर रही है, जितना चार्ज उसके अंदर से फ्लो हुआ सी वी और उसका पोटेंशियल कितना बना बेटे 3 वी, तो कितना बना वो 3 सी वी स्क्वायर बना, बस जस्ट फॉर्मूला लगा दे, क्या एनर्जी जो लॉस का फॉर्मूला है, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या है, जिस तुझे फॉर्मूला पुट करना है, एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला आया वो क्या है बेटे, वर्क डन बाय द बैटरी या फिर ऑन द बैटरी, यहाँ पे वर्क डन बाय द बैटरी है, कितना है वो 3 सी वी स्क्वायर है माइनस के, ओके, ई फाइनल माइनस इनिशियल कितना तेरे पास हुआ 2.5 सी वी स्क्वायर, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1/2 सी वी स्क्वायर, बस इतना ध्यान रखना कि जो एनर्जी लॉस होता है ना बेटे कभी भी वो नेगेटिव नहीं आएगा, अगर वो नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब ये है कि जो वायर थी वो ठंडी हो चुकी है, ठीक है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, जब भी आप किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में बैटरी या एनर्जी सप्लाई करोगे तो वो पक्का गर्म होता है, कभी भी ठंडा नहीं होता, सर हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज बेटे बात अलग है, फ्रिज के अंदर एक मोटर लगी हुई है, जो वो बात की बात है, अपने 11th क्लास में था वो टॉपिक, मैं उस टाइम नहीं समझा पाया क्योंकि वो क्या था बेसिकली वो क्या था बेटे, रेफ्रिजरेटर होता है ना, तो उसमें अलग सिस्टम है, ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, बट उसकी जो वायर वगैरह वो सब गर्म हो जाती हैं, वो ध्यान रखना है कि जो एनर्जी लॉस होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, तो जो नेक्स्ट होगा उसमें आपको हम कुछ और सिखाने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली ये फील आएगा आपको कि किस तरह से सर काम कर रहे हैं कैपेसिटर के अंदर, ओके, थैंक यू।